हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु व्यास। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू। इन लड्डू को यदि आपने एक बार टेस्ट किया तो आई होप कि ये लड्डू आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप इनको बार बार घर पर बनाना पसंद करेंगे। चलिए जल्दी से सूजी के लड्डू बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने 2 कटोरी सूजी लिए। सूजी आप मोटी वाली या बारीक वाली दोनों तरह की ले सकते हैं। इस तरह से यदि हम माप कर सूजी लेते हैं तो उससे परफेक्ट लड्डू बनेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो अब हम सूजी में मोइन डालेंगे। मोइन डालने के लिए हमने घी लिया है। घी को हमने हल्का गर्म किया है। सूजी और घी को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही हम सूजी में घी को मिक्स करते हैं, सूजी हल्के हाथों से बनना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि इसमें परफेक्ट मोइन है। सूजी के लड्डू में घी का यूज़ किया जाता है। यदि हम इसमें ऑयल डालते हैं तो लड्डू का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। सूजी में अच्छे से मोइन मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम मोइन नहीं डालेंगे। जब हम सूजी को इस तरह से हाथ से बांध रहे हैं तो सूजी अच्छे से आपस में चिपक रही है, मतलब इसमें परफेक्ट मोइन है। अब हम इसमें गुनगुना पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सूजी का डो लगना चाहिए। इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे क्योंकि सूजी पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम इस डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। डो अच्छे से रेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये डो पूरी की डो की तरह हुआ है। अब हम हाथ में इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे। इस तरह से हम पूरे डो के मुट्ठे बना लेंगे छोटे छोटे, या आप इनकी छोटी मोटी साइज की पूड़ी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने डो के इतने सारे मुट्ठे बना के कंप्लीट किए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में घी लिया है। घी हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। सभी मुट्ठियों को हम इस तरह से घी में फ्राई करेंगे। अच्छे से सभी को सेट करेंगे। जैसे ये ऊपर से हल्के से हार्ड होते हैं उस समय हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले इनकी साइड चेंज ना करें। 3 से 4 बार हम इनकी इस तरह से साइड चेंज करते रहेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है। हम इनको 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे जिससे इनका कलर डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जितनी धीमी आँच पर हम इनको फ्राई करेंगे उतना ही लड्डू का टेस्ट बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं मुट्ठे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर डार्क गोल्डन ब्राउन हुआ है। अब हम इनको घी से अलग निकाल लेंगे। सूजी के मुट्ठे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन गर्मा गर्म मुट्ठियों को थोड़ा सा तोड़कर इनको ग्राइंड कर लेंगे। जब हम इनको हल्के गर्म को ग्राइंड करते हैं तो उससे सूजी में बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस रहता है। यदि हम इनको ज़्यादा ठंडा करके ग्राइंड करेंगे तो लड्डू थोड़े से हार्ड बनते हैं। अब हम सबसे पहले मिक्सी के जार में शक्कर लेंगे। शक्कर को अच्छे से ग्राइंड करना है। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हम शक्कर लेंगे। शक्कर का हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है और सूजी के मुट्ठे को भी इस तरह से बारीक ग्राइंड कर लिया है। आप इसको छान भी सकते हैं। छानने से इसका मोटे वाला हिस्सा अलग निकल जाता है, उसको हम डबल ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम लड्डू में मावे को मिलाएंगे। मावे को हम पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मावे को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट करते रहेंगे। मावे का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम इस तरह से गर्मा गर्म मावा सूजी में मिलाते हैं तो उससे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और लड्डू का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप बिना मावे के भी लड्डू बना सकते हैं। मावे को हमने 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट किया है। अब हम इस गर्मा गर्म मावे को सूजी में मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म मावे को इस तरह से हम सूजी से कवर कर देंगे। अब हम इसमें शक्कर पाउडर को मिलाएंगे। अब हम इसमें रोस्टेड किए हुए काजू बादाम डाल देंगे। अब हम इसमें शक्कर के बूरे को मिला देंगे। आप इसमें शक्कर बूरे या शक्कर पाउडर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट मैं इसमें शक्कर के पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। गर्मा गर्म मावे और सूजी में इस तरह से हम शक्कर पाउडर को मिक्स कर देंगे। इसमें हम किशमिश डालेंगे। अब हम इन तीनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे।
आप इसमें गरम घी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट हमने इसमें मावे का यूज़ किया है, तो मावे में बहुत ही अच्छे से घी था। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही कम समय में घर पे बनके तैयार हो जाते हैं। हम अपनी रेसिपी में उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं जो घर पर आसानी से मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। इस तरह से हम हाथ से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से लड्डू बना लेंगे। ये लीजिए, हमारे सूजी के लड्डू बनके तैयार है। आप इनके ऊपर और ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी। इस रेसिपी को घर पे बनाइए और हमें कमेंट्स करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।